अभी तक गैस पर सामान रखकर आपके भूलने की आदत गई नहीं पापा। तू यहां? अचानक यहां की याद कैसे आ गई? पापा आप जानते हो ना मैं बाहर किस लिए गया था। हाँ, इसलिए कि इस बुड्ढे को कोई सहारा ना मिले अकेले में। ऐसी बात नहीं है पापा, आप जानते हो मुझ में टैलेंट था, इसलिए मुझे फॉरेन जाने का मौका मिला। मना भी तो कर सकता था, मुझे अकेला छोड़कर जाने की तुमने सोची भी कैसे? पापा आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो? अगर बाहर नौकरी करूंगा, दो पैसे कमाऊंगा तो घर में ही तो ज्यादा पैसे आएंगे। क्या फायदा ऐसे पैसों का, तू रिश्तों में दूरियां पैदा कर दे। पापा आजकल पैसों के बिना कुछ नहीं चलता, इनफैक्ट रिश्ते भी आजकल पैसों पे चलते हैं। रजत सोच समझ के बात करो, पैसा इतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तो मत भेजा करो मुझे। आज भी मुझ में इतनी हिम्मत है कि खुद कमा कर खा सकता हूं मैं। अगले महीने से मुझे एक भी पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। पापा आप फिर से मेरी बातों को गलत समझ रहे हो, हमेशा की तरह। हमेशा हमेशा मैं ही गलत होता हूं ना। अब तुम ये भी कह देना कि मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो इसमें कहने की बात क्या है पापा, ये बात तो एकदम सच है। इनफैक्ट आपने आज से मेरे लिए करा क्या बता दो, नहीं बोलो। पापा आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक ही कहा बेटा तुमने, मैंने आज तक मालूम किया ही क्या। जब से तुम्हारी माँ हमें छोड़ के गई है तब से सब कुछ तुम ही तो कर रहे हो। पापा मेरा वो मतलब नहीं था, आप जानते हो कि मुझ में और मेरे दोस्तों में कितना फर्क था। वो सब कार बाइक से कॉलेज जाते थे और मैं बस से जाता था पापा। इनफैक्ट आप ही मुझे इस नौकरी के लिए मना कर रहे थे ताकि मैं भी आपकी तरह यहीं रह जाऊं और कोई अच्छी नौकरी ना करूं। पापा आप तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। आज पता चला कि तुम बड़े हो गए और ये भी देख रहा हूं कि कितने बड़े हो गए। तेरे दादाजी कहा करते थे कि कब तक हमारे सिर पे बोझ बना रहेगा, कोई जॉब क्यों नहीं कर लेता। उन्होंने कहीं बात भी कर रखी थी कि वहां चला जाओ तेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन मैं जिद करता था उनके साथ कि जॉब करूंगा तो सिर्फ गवर्नमेंट की। और वो बोलते थे कि 3 साल हो गए एग्जाम देते रहते, पास तो हो नहीं पा रहा, इसलिए जहां मैं कहता हूं वहां कर ले। फिर लोग बातें बनाने लग गए कि ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। और पिताजी मुझे पंडित जी के पास ले गए।
पंडित जी ने सलाह दे दी कि इसकी शादी कर दो तो इसका भाग्य चमक जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो पिताजी ने शादी कर दी तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगी, लेकिन तू पैदा हो गया। अब दुनिया वाले और ताने मारने लग गए कि पहले ही बोझ कम था सिर पे, एक और पैदा कर लिया। तब तेरी मां ने कहा कि मुझसे वादा लिया कि इस बच्चे की परवरिश में आपने किसी से एक रुपया नहीं मांगना है, जो करना है अपनी मेहनत से करना है। इसलिए मैंने जो बन पढ़ाओ किया, सुबह अखबारें बांटी हैं, दुकानों पर नौकरी की, रातों में चौकीदारियां की, लेकिन तुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी। हाँ पापा, ये सब तो आपका फर्ज था बाप होने का। मुझे तेरे काम से या तरक्की करने से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मेरा बाप का फर्ज था तो तेरा भी तो पीटा होने का बर्तन जो तूने अदा नहीं किया, भूल गया। एक कमीज बन के जाते हैं, आपके ऑफिस वाले क्या सोचते होंगे? अरे सोचने देना जो सोचते हैं, मुझे बस अपने बेटे की परवाह है। मैं तो पैसे जोड़ता रहता हूँ, इसलिए कि वो कल को कॉलेज जाएगा, नए नए दोस्त बनेंगे, तो वहाँ उसको नए कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। मेरा क्या है, इतना कुछ तो करते हो उसके लिए, थोड़ा बहुत अपने लिए भी कर ले करो। करेंगे अपने लिए भी, बेटा अपना बड़ा अफसर बन जाएगा, चैन से अपने लिए करेंगे। पर अभी अगर कोई दफ्तर वाला मेरा कहता ना कि एक ही ड्रेस पहन के आया थे, तो मैं उनको बोल दूंगा जी मेरी फेवरेट ड्रेस है, जैसे तुम मेरी फेवरेट हो। वो पहली बस छूट गई थी तो दूसरी पकड़ के आया। आप भी कहाँ बस के चक्कर में रहते हो, अपने लिए एक अच्छे से स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? अरे नहीं नहीं, मैं बस में ही ठीक हूँ, स्कूटर के पैसे रजत के काम आ जाएंगे, वो भी तो बेचारा रोज ऑटो पे जाता है। आपको जो करना है ना वो करो। जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के गई थी ना, तो तुमसे ज्यादा मैं टूट गया था, क्योंकि तुमको तो मैं संभाल लेता, लेकिन मुझे जो संभालती थी वो चली गई थी, लेकिन मुझे उसका प्रॉमिस याद था, इसलिए मैंने किसी की मदद नहीं ली, दिन रात मेहनत करके तुमको पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में भर्ती कराया, और लोग मुझे ताने मारते थे कि औकात नहीं है इस बड़े स्कूल में डालने की इसकी, लेकिन मैंने मेहनत करके तुम्हें कॉलेज तक में डलवाया, बेस्ट कॉलेज में। तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हें स्कूल छोड़ के आता था, सुबह सुबह उठ के तुम्हारा नाश्ता बनाता था। पापा, आज नाश्ते में क्या बनाया आपने? अरे बेटा तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे, तुम चलो मैं लेके आता हूँ। ठीक है।
पापा बहुत टेस्टी बनाया, एक और मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। इसमें तो एक ही है, चलो कोई बात नहीं, रजत ने खा लिया समझो मैंने खा लिया। खैर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तुम तो भाई विदेश में जाकर जॉब करते हो, प्रैक्टिकल लोग बन चुके हो, छोटे मोटे हिंदुस्तानी लोगों के इमोशंस को क्या समझोगे, तुमको ये सब कहानी लग रही होगी हैं? तुम्हारी मां के हार के लिए जोड़े हुए पैसे मैं जानता था कि वो चली गई, फिर भी मैं जोड़ता था, वो भी उठाकर तुमको दे दिए। और बेटा कैसे है, पढ़ाई ठीक चल रही है? पापा पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पापा मुझे 1000 रुपए की जरूरत थी, कुछ बुक्स लेकर आनी थी मेरे को। हाँ एक मिनट रुका तो। मुझे माफ करना कुसुम, ये पैसे तुम्हारे हार के लिए जोड़ रहा था, लेकिन आज रजत को बहुत ज्यादा जरूरत है इन पैसों की, उसे किताबें खरीदनी है, इसलिए तुम्हारा वादा पूरा करने के लिए मैं इनको ले रहा हूं, मुझे माफ करना। क्या हुआ पापा? नहीं कुछ नहीं, ये लो तुम्हारा पैसा। अरे मुझे क्या मिला, अपनी पूरी जिंदगी खपा के तुम्हारे लिए ये सब करके, सिर्फ अकेलापन। और मालूम क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारी जिद थी कि मुझे विदेश जाना है, तो सुन लो मेरी भी जिद है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी क्यों जिद कर रहे हो आप? आप मेरे साथ चलिए, आपको यहां पर अकेले रहना ही क्यों है? तुम्हारे लिए बहुत आसान है ये कहना कि मेरे साथ चलिए, अरे भाई मेरी सारी यादें इस घर से जुड़ी हैं, तुम्हारा बचपन इस घर से जुड़ा है, तुम्हारी मां की सारी यादें इस घर से जुड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा देश है, इसको छोड़ के क्यों जाऊं? देखिए पापा आप अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, आप ना तो टाइम से खाना खाते हो और ना ही दवाई लेते हो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी तो जिद थी ना विदेश में रहने की, अरे तो जाओ ना, क्यों आया मुझे परेशान करने के लिए, रह लूंगा मैं अकेले, मुझे आदत पड़ गई है खुद से बात करने की, अकेले रहने की।
पापा मैं आज अपनी नजरों से गिर गया, और मत गिरवाई मुझे, आप मेरी एक आखिरी जिद पूरी कर दीजिए पापा, आप मेरे साथ चलिए पापा, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए आप प्लीज।